दिस इज़ उमेश अरोड़ा फ्रॉम कैड कैम सोल्यूशन मेरठ, और आज मैं लेके आया हूँ मोल्ड कैविटी का मोल्ड विज़ार्ड में ये इसका सेकंड पार्ट। यहाँ तक हम लोग फर्स्ट वीडियो में काम कर चुके हैं। अब नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं ऐसे लेआउट में जाऊँगा कैविटी लेआउट, और मल्टीपल इम्प्रेशन ऐड करने के लिए मैं इसको यूज़ करूँगा, और मैं डायरेक्शन डिफाइन करता हूँ, और यहाँ से हमने 4 ले लिए, और यहाँ से करते हैं स्टार्ट लेआउट। जनरेट लेआउट करने से क्या होगा, यहाँ पे 4 इम्प्रेशन हमारे पास मिल जाएंगे, ये 4 इम्प्रेशन मेरे पास आ गए हैं। और यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ से लेता हूँ इंसर्ट पॉकेट, यहाँ पे लेआउट में और भी स्टाइल है, आप वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ से मैं जाता हूँ और आर लेता हूँ मैं 5, और टाइप लेता हूँ 2, टाइप 2 लेके मैं ओके करता हूँ, तो ये इंसर्ट पॉकेट यहाँ पे जनरेट हो जाएंगी, इंसर्ट पॉकेट आ गई है। और इसको हम ऑटो सेंटर, क्योंकि ओरिजिन मेरा यहाँ पे है, तो इसको कर देता हूँ मैं ऑटो सेंटर, ताकि जो ओरिजिन है मोल्ड का वो इस लेआउट के बीच में आ जाएगा। ये अपडेट हो रहा है, मिडिल पे होना बहुत ज़रूरी है, सेंटर पे ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि जितने भी मोल्ड बेस के आगे हम यूज़ करेंगे स्टैंडर्ड पार्ट्स, वो सब बाय डिफ़ॉल्ट ओरिजिन पे ही आएंगे, इसके लिए हमें इसे यूज़ करना पड़ता है। यहाँ तक हमारा हो गया कैविटी लेआउट। इसके बाद मुझे यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा मोल्ड बेस, मोल्ड बेस लाइब्रेरी में जाता हूँ। तो मोल्ड बेस में यहाँ पे बहुत सारे मोल्ड बेस दे रखे हैं, ये कोई चाइनीज़ है जो कि LKM है ये मोल्ड बेस, ये मेरे को नहीं चाहिए। हम लोग यूज़ करते हैं DME, और इसमें से लेता हूँ मैं मोल्ड बेस, और यहाँ पे आके इसका प्रीव्यू शो कर रहा है, और ये जो हमारा लेआउट है उसका साइज़ शो कर रहा है 480, अप साइड में 70, डाउन साइड में 25, और लेंथ 510। और यहाँ से इंडेक्स वैल्यू मैं लेता हूँ 5560, और 2 हमारा ये DCP हो जाएगा, और यहाँ पे AP मैं लेता हूँ 56, और BP लेते हैं 36, और CP जो है वो मैं लेता हूँ 106। और इसको लेने के बाद मैं यहाँ से करता हूँ इसे अप्लाई, और ये सारी की सारी प्लेटें जो है मोल्ड बेस है वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। और मोल्ड बेस का डिटेल में मैं एक और बना चुका हूँ पहले ही, कि मोल्ड बेस ये डिफरेंट टाइप के डिफरेंट कंपनीज के मोल्ड बेस यहाँ पे लाइब्रेरी है, जो कि स्टैंडर्ड साइज़ की अवेलेबल होती हैं, तो वो सब यहाँ पे है। इस टाइप का हमारा मोल्ड बेस आ जाएगा, इसे मैं कहता हूँ कैंसिल, मोल्ड बेस हमारा ये आ गया है यहाँ पे। अब मोल्ड बेस के बाद अब मुझे जाना पड़ेगा यहाँ से स्टैंडर्ड पार्ट लाइब्रेरी में, और स्टैंडर्ड पार्ट लाइब्रेरी में मैं यहाँ से आता हूँ इंजेक्शन, इंजेक्शन में जाके यहाँ से हमें पार्ट लेना है लोकेटिंग रिंग विथ बोल्ट्स, और लोकेटिंग री लेने के बाद इसका जो टाइप है, और यहाँ पे जो है टाइप वो हम लेंगे M8, M8 लेने के बाद D, ठीक है 100 E, ये भी ठीक है, बाकी सब कुछ ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ ओके, और ये ऑटोमेटिकली सेंटर पे ही प्लेस होगा। इसे मैं क्लोज करता हूँ, ये हमारा यहाँ पे आ गया है लोकेटिंग रिंग। इसके बाद रहते हैं स्प्रू बुश, स्प्रू बुश के लिए इंजेक्शन में ही जाएंगे, और इंजेक्शन में ही आप यहाँ से नीचे जाएंगे जब,
तो आपको यहां से मिलेगा स्प्रू बुशिंग। स्प्रू बुशिंग लेंगे और इसे डबल क्लिक करिए, ये हाईलाइट हो जाएगा। ये है इसका डिटेल। और यहां से हम जाएंगे और यहां से जाके मैं डी लेता हूं, डी है 18 और ओ 4 ओ। यहां से देखिए आप ये वाला बीच का डाया है जहां से मोल्टन प्लास्टिक इंजेक्ट होगा इसके अंदर। और एन जो है, एन नहीं पहले मैं लेता हूं के, जो इसका शोल्डर है के, इसको मैं कर देता हूं 24। और जो लेंथ है एन, एन हमें यहां से देखनी पड़ेगी कि नीचे तक कितना है। तो अभी के केस में मैं कुछ 71 लेता हूं और करते हैं ओके। स्प्रू बुश नीचे तक टच होना चाहिए जहां तक हमारी पार्टिंग सरफेस है, और वहां से फिर हम रनर और गेट को लगाएंगे। तो थोड़ा सा नीचे निकल रहा है यही यहां तक। तो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम लग रही है तो मैं एक काम कर सकता हूं, इस पूरे को हाइड करता हूं। यहां से असेंबली नेविगेटर में जाइए और ये सब मैंने हाइड कर दिया और ये नीचे तक जा रहा है। तो यहां तक का मैं एनालिसिस में जाके मेजर डिस्टेंस और ये पॉइंट और इस लोकेटिंग का सेंटर, ये 74 आ रहा है, शोल्डर को इंक्लूड करके 74। ठीक है, इसे कैंसिल करते हैं और मैं इसे क्लिक करता हूं और करते हैं एडिट। तो के हमारा था 24, 74 माइनस 24 तो ये हो जाएगा 50 और करते हैं ओके। इसकी लेंथ अभी ठीक आ गया है यहां तक, स्प्रू बुशिंग हमने यहां पे असाइन कर दी है। और फिर से चाहते हैं तो बाकी असेंबली यहां से हाईलाइट कर लीजिए, आ जाएगा। स्प्रू बुशिंग के बाद अब हमारा नंबर आता है गेट लगाने का और रनर लगाने का। तो पहले मैं रनर लेता हूं और इसको ऑफ करते हैं। मोल्ड विजार्ड में जाके यहां पे जाएंगे रनर और क्रॉस सेक्शन सर्कुलर स्केच कहां पे करना चाहते हैं रनर, तो यहां से स्केच लेते हैं। और इसे ये प्लेन हमारा यहां पे आ रहा है, मैं थोड़ा सा ऊपर लेता हूं, यहां पे मैंने ले लिया। और स्पेसिफाई वेक्टर ओके, और अब लेते हैं यहां से हम ये क्लिक। और इधर से लेता हूं, ये रनर है और ये अप्रॉक्सिमेट इसके पास ही होना चाहिए और बाकी गेट जो होगा गेट फिर से टच कर जाएगा। और यहां से करेंगे फिनिश। सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ये देखिए ये तो ठीक है, ये वाला थोड़ा अंदर चला गया है। तो स्केच पर दोबारा से क्लिक करते हैं और ये जो पॉइंट है ये कुछ यहां तक और ये वाला यहां तक।
और वैल्यू डबल क्लिक करके भी आप कम कर सकते हो। एडिट कर लेता हूँ, 44 आ रहा है। को मैंने कर दिया 41। और यहाँ से फिनिश, तो ये रनर हो गया। और रनर का क्रॉस सेक्शन हमने लिया है सर्कुलर, और जिसका डायमीटर है 8, तो 8 का डाया कुछ बड़ा है, मैं इसको 3 या 4 ले लेता हूँ, तो 4 लिया मैंने इसे। और ओके, तो यहाँ पे ये रनर आ गया है 4 का। अब इसके बाद रनर लेने के बाद, रनर के बाद हमारा नंबर आता है क्रिएट गेट करने का। तो गेट क्रिएट करना चाहते हैं, उसके लिए मैंने यहाँ से लिया डिज़ाइन फिल, और डिज़ाइन फिल में जाने के बाद ये भी काफ़ी सारे रनर यहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे। अगर आप डार्क ही बनाना चाहते हैं, स्केच नहीं करना चाहते, तो 8 इम्प्रेशन का, 16 इम्प्रेशन का है, ये सर्कुलर लेआउट में है, ये सर्कुलर में है, यहाँ से गेट दिया हुआ है, ये गेट, गेट साइड गेट और फैन गेट। मैं यहाँ से फैन गेट लेता हूँ, और फैन गेट लेने के बाद डी हम लेते हैं 4 का डाया लिया था, और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा ये वाला हमारा ऑब्जेक्ट है, अब ये कुछ इस टाइप से आ रहा है। तो एक तो इसका प्लेसमेंट जो है, और घुमा लेते हैं इसको 180 के एंगल पे, और ऊपर कराए से मैंने इसके हल्का सा ऐसे घुमाते हैं, का सेंटर शो नहीं कर रहा, जबकि सेंटर पे ही चाहिए, आ गया सेंटर पे। और सेंटर पे आने के बाद ये थोड़ा सा आगे एल वैल्यू भी मेरे को चाहिए, एल 0 है, एल को मैं कर देता हूँ यहाँ से 3 भी अभी कम है, मैंने करा 5, और ये 5 आ जाएगा। चाहते हैं तो हल्का सा 5 डिग्री पे ले जाए। अब ये जो है गेट, ये आपकी कैविटी के अंदर जाना ज़रूरी है, अगर ये नहीं जा रहा है तो इट मीन्स कि वो प्रॉपरली इसको फिल नहीं करेगा। तो L5 की जगह मैंने 6 ले लिया, और ये अंदर तक आ गया है। एक बार वो 7 लेते हैं, ठीक है 7 तक ये पूरा अंदर आ रहा है, तो मैं इसको 5 ही रख लेता हूँ, और घुमाते हैं इसे, और फिर देखिए, और मैं इसे करता हूँ ओके, और जूम करेंगे, और ये आपको सब जगह पे लगाना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्टली यहाँ से बनाते हैं, अगर हम रनर भी इस जगह से लेंगे, तो ये हमारा काफ़ी आसान हो जाएगा। तो मैं यहाँ से रनर तक जाता हूँ, और रनर तक कर देते हैं अंडू, और रनर हम इस बार जो लेने वाले हैं वो यहाँ से लेंगे डिज़ाइन पुल से, और डिज़ाइन पुल में जाने के बाद यहाँ से रनर लेता हूँ मैं, और रनर लेके स्पेसिफाई पॉइंट, तो यहाँ से क्लिक करिए 00 ही ओके, और यहाँ पे ये आ रहा है कुछ इस टाइप से। और फिर यहाँ से मूव करना है इसको ऊपर, यहाँ पे लेके आ गए हम इसे,
और डी हमें चाहिए 5.5। इसकी लेंथ, ये जो लेंथ है यहाँ से L1 है ये पूरा, तो यहाँ से टॉप से रखिए और इसको हम बढ़ा लेते हैं। अब 200 से ज़्यादा यहाँ पे है नहीं, तो मैं यहाँ से लेता हूँ 240 भी कम है, मैं 300 ले लेता हूँ, 340 ठीक है, अभी आगे आ गया है। और इधर वाला मैंने लिया 50 की जगह लेता हूँ 120 थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, 100 ले लेते हैं, ये कुछ ठीक है, और थोड़ा सा कम कर देता हूँ 90। और इसे कहते हैं ओके। अब फिर हम यहाँ से लेते हैं क्लिक और यहाँ से लेंगे हम गेट, फैन गेट, फैन गेट में 5.5 और लोकेशन यहाँ पे यहाँ से आ गए है। और लेंथ देते हैं 5 से ऑफ करता हूँ मैं, और 5 से भी काम नहीं चल रहा तो मैं इसे कर देता हूँ 7। अभी 8 में इसके साथ मैच कर रहा होगा, आप यहाँ से जाके देखें, ये इसके अंदर आ गया है 8। चलिए 9 ले लेता हूँ और ओके, ये हमारा रनर और गेट यहाँ पे हमने लगा लिया है। अब जो इंजेक्शन का प्रोसेस है वो वाला हमें इसके अंदर लगाना है, तो इंजेक्शन के लिए हम जाते हैं यहाँ से इंजेक्शन में जाके किस टाइप की चाहिए हमें पिन, वो हम लेते हैं ये इंजेक्टर पिन शोल्डर। और इंजेक्टर पिन शोल्डर में जाके 0.7 और लेंथ 125, हेड का टाइप 1 और ऐसे बैक। अब कहाँ पे लगाना चाहते हैं, यहाँ से गए और मैं करता हूँ अप्लाई, और एक तो मेरे को चाहिए यहाँ पे, ओके, फिर आते हैं एक यहाँ पे चाहिए, ओके, एक हमें यहाँ पे चाहिए, ओके, और एक यहाँ पे चाहिए, ओके, एक यहाँ पे लेते हैं, ओके, और ओके सर। इंजेक्टर पिंस हमारी लग गई हैं, ये एक एक्स्ट्रा लग रही है मुझे, मैं इसे हटा देता हूँ। अब जो पिंस हैं ये प्रॉपरली कैविटी तक आ जाएं, इसके लिए हमें इसे ट्रिम यूज़ करना पड़ेगा। इसके लिए मैं क्या करूँगा,
मैं जाता हूँ इंजेक्टर पिन के इंजेक्टर पिन पोस्ट प्रोसेसिंग में, और यहाँ से ये सारी पिन्स हैं कोर के साथ ये ट्रिम हो जाएं, जो भी लेंथ इसकी एक्स्ट्रा होगी वो कोर के सेट में कट हो जाएगी। और यहाँ पे हमने बना लिया है इंजेक्टर का इंजेक्शन सिस्टम, और इसके आगे का प्रोसेस के लिए हम मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर